दोस्तों सितंबर में दिब्रुगढ़ एयरपोर्ट से तीसरी फ्लाइट शुरू हो सकती है। यह तीसरी फ्लाइट दिब्रुगढ़ से बेंगलुरु के लिए होने वाली है। इंडिगो ने शुरुआत में एक साथ दिब्रुगढ़ से दिल्ली, बेंगलुरु व मुंबई की फ्लाइट्स का प्रस्ताव DGCA व मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भेजा था। इसमें दिल्ली की फ्लाइट्स का स्लॉट 30 जुलाई से मिल गया है, लेकिन बेंगलुरु व मुंबई का स्लॉट नहीं मिल पाया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन सितंबर में दिब्रुगढ़ से बेंगलुरु की फ्लाइट का स्लॉट देने को तैयार हो गया है। सितंबर में दिब्रुगढ़ से बेंगलुरु की फ्लाइट का स्लॉट इंडिगो को मिल जाएगा। इसके बाद अगस्त में इंडिगो की वेबसाइट में दिब्रुगढ़ से बेंगलुरु फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। वो टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों बताया जाता है कि इंडिगो की 180 सीटर वाली दिब्रुगढ़ से बेंगलुरु की फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन उड़ान भरेगी। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इस फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों दिब्रुगढ़ एयरपोर्ट वो इंडिगो की 30 जुलाई को दिल्ली से दिब्रुगढ़ आने वाली पहली फ्लाइट 180 सीटर होने वाली है। इस फ्लाइट का वाटर सैल्यूट करने की भी तैयारी है। दोस्तों इस कमर्शियल फ्लाइट में सामान्य यात्रियों के साथ गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ भोजपुरी सुपरस्टार सांसद मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, नीरव वा समेत अन्य भाजपा के सांसद देवघर आएंगे। दोस्तों काफी समय से लोग वेट कर रहे थे बेंगलुरु, मुंबई और पटना के यात्रा के लिए, जो कि अब खुशखबरी निकल कर आई है कि बेंगलुरु के लिए बहुत जल्द ही उड़ान चालू कर दी जा सकती है। दोस्तों यह कंफर्म है कि और भी दूसरे शहरों के लिए फ्लाइट्स यहां से चालू करी जाएगी, लेकिन कि इसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों लोग वेट कर रहे हैं मुंबई, पटना, रांची के लिए भी, लेकिन अब देखना यह है कि कब तक इन शहरों के लिए उड़ान सेवा चालू हो जाएगी। अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है कि बेंगलुरु के लिए सितंबर माह में उड़ान चालू कर दी जाएगी। दोस्तों मैं एक और अच्छी खबर आपको सुना दूं कि दिब्रुगढ़ से कोलकाता के फ्लाइट्स की फेयर में कटौती करी गई है। दोस्तों पहले जो 3,200 था वो अब 2,800 मात्र रखी गई है। दोस्तों आशा करता हूँ कि यह न्यूज आपको काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें।